ठीक है ओके। तो एस नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, सबसे पहली चीज ये देखी कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ओके और ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग एसेट अलग डेफिनेशन में फॉल कर सकता है। करेक्ट, जैसे इसका आदेश्वर के लिए उसकी लैंड जो थी, एक तो हो सकती है उसके लिए फिक्स्ड एसेट हो अगर वो उस पर ऑफिस बनाए, है ना, या उसके यूज के लिए कुछ बिल्डिंग बनाए, या तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर वो रेंटल पे देने के लिए खरीदा हो, या तो उसके लिए इन्वेंट्री हो सकता है अगर उसने बेचने के लिए खरीदा हो। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज अपन ने देख ली कि इन्वेस्टमेंट कब कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट वो एसेट्स है जो अर्निंग इनकम के लिए तुमने रखे हैं। कौन से टाइप के इनकम? एक तो डिविडेंड इनकम हो सकता है, जैसे शेयर्स, है ना, डिविडेंड इनकम के लिए मैंने इन्वेस्ट किया हो, या तो इंटरेस्ट कमाने के लिए जैसे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हो, या तो रेंटल कमाने के लिए जैसे प्रॉपर्टी में किया हो, या तो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए मैंने खरीदा हो, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट क्या है वो तो समझ गया। और इसके पहले बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में क्या आएगा। अभी मैंने शेयर्स खरीदे 100 रुपए के, मैंने ब्रोकरेज वगैरह भरा 6 रुपए, तो मेरे लिए कितने का एसेट? 106 का। 106 का क्यों अपन ने बात की थी? 106 का क्यों? क्योंकि अगर वो 6 रुपए भरता ही नहीं तो वो एसेट मेरा होता ही नहीं, है ना। तो एसेट को अपना बनाने के लिए 6 रुपए पे करना बहुत जरूरी था। करेक्ट, तो इसीलिए वो 6 रुपए एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट है, इन्वेस्टमेंट में ही जाना चाहिए। समझाए? एस ने भी तो वही बोला है ना। देखो, एस बनाना मैं वही बात कर रहा था, बहुत लॉजिकल है, अपन जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है यूज करते हैं वही एस बनाता है। ठीक है, तो अपना 6 रुपए ब्रोकरेज जो है वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये भी अपन ने सोच लिया। सिमिलरली अगर मैंने कोई शेयर्स खरीदे थे जो मैंने बेचे हैं 105 रुपए में, ओके 105 रुपए में मैंने सेल किए है, और मैंने ये सेल करने को ब्रोकरेज पे किया था 4 रुपए। ठीक है, 105 रुपए में बेचे और 4 रुपए ब्रोकरेज पे किया, तो शेयर्स बेच के कितने पैसे मिले? क्या बोलूंगा मैं? 101। ठीक है, तो बेच के जो पैसे मिले वो 101 ही तो मिले, क्योंकि अगर मैं 4 रुपए भरता ही नहीं तो बेच पाता क्या? नहीं बेच पाता, तो ये 4 रुपए भरना जरूरी था, एज गुड एज मैंने शेयर्स ही 101 में बेचे। ठीक है, तो शेयर्स 101 में बेचे। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब खरीदते हैं तब ब्रोकरेज या स्टैम्प ड्यूटी या जो भी खर्चा है वो कॉस्ट का पार्ट है, तो कॉस्ट में क्या होगा? ऐड होगा। और जब बेचते हैं तो ब्रोकरेज वगैरह जो भी खर्चा है उतने कम पैसे मिलेंगे ना, तो वो क्या करेंगे? कॉस्ट से लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ी मत करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ी कर देते हैं, बेचते वक्त ऐड कर देते बहुत बार, क्योंकि लॉजिक नहीं समझता है। ठीक है, लॉजिक समझ के काम करो, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा लॉजिक है, परचेस करते वक्त भरा है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर किया है तो ऐड कर देंगे, और सेल करते वक्त अगर पे किया है तो उतने कम पैसे दिए। ठीक है, तो उतने कम पैसे मिले हैं अपने को, इसीलिए उतना माइनस कर दिए। क्लियर यहां तक? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके चलो आगे बढ़ते। अभी आगे बढ़ने पे थोड़ा, अभी मैं यहां पे शेयर्स के एंगल से ज्यादा बात कर रहा हूं। ओके, तो शेयर्स मैंने खरीदे फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, अभी लॉन्ग टर्म मतलब कितना? मोर देन 1 ईयर मतलब लॉन्ग टर्म। मोर देन 1 ईयर मतलब लॉन्ग टर्म। ठीक है, मोर देन 1 ईयर को लॉन्ग टर्म मान सकते हैं। तो अगर मैंने कोई ऐसा शेयर खरीदा है जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखा है, मतलब 5 साल 10 साल तक मैं आराम से रखने वाला हूं। ठीक है, तो भी ऐसी शेयर्स में अगर शॉर्ट टर्म में कोई प्राइस चेंज हो तो मुझे फर्क पड़ेगा क्या? मुझे बोलो, टेम्पररी प्राइस चेंजेस हो रहे तो मेरे को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने खरीद के रख दिए, मैंने खरीद के रख दिए, अब मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के प्राइस चेंजेस से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कोई शेयर्स खरीदे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब क्या 1 साल से कम के लिए खरीदे, तो वो उसके जो प्राइस चेंज हो गए उससे मेरे को फर्क पड़ेगा। करेक्ट, तो इसीलिए एएस ने ये क्लासिफिकेशन देना जरूरी समझा, दो इसमें बांटना जरूरी समझा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। क्यों बांटा? अभी ये समझो, बांटना क्यों जरूरी था? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसकी फेयर वैल्यू अगर कम भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे वैल्यू करो ना, फिर उसकी वैल्यू अगर कम हो रही तो उसको गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लॉन्ग टर्म मोटिव था। लेकिन अगर तुमने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है दोस्तों, और अगर उसकी फेयर वैल्यू गिर जाए तुम्हें फर्क पड़ेगा,
तो उसको वैल्यू करना कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्योंकि यहाँ पे प्रूडेंस कंसेप्ट भी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू कम हो गई और तुम्हें फर्क पड़ता है तो उसको कम वैल्यू पे चार्ज कर लेना। लेकिन एक सिंपल चीज़ है और इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हमेशा कॉस्ट पे दिखाएंगे? मैंने कल एक बात की थी कि अगर परमानेंट रिडक्शन हो जाए तो, जैसे येस बैंक और किंगफिशर का एग्जाम्पल दिया था ना, उनका हमेशा के लिए भाव गिर गया। मतलब येस बैंक का जो शेयर 200 तक हुआ करता था वो डायरेक्ट 10 पे आ गया गिर के, तो अभी वो रिकवर हो ही नहीं सकता यहाँ से, परमानेंट रिडक्शन हो गया। फिर भी कॉस्ट पे दिखाना सही रहेगा क्या? नहीं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखाओ अनलेस अगर वैल्यू परमानेंटली गिर जाए तो, वैल्यू परमानेंटली गिर जाए तो कॉस्ट पे दिखाना गलत है, फिर उसको तुम फेयर वैल्यू पे दिखा देना, मतलब कम वैल्यू पे दिखा देना, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों किया, देखो हर एक चीज एज जो करता है वो बहुत लॉजिक से करता है, वो लॉजिक अगर समझ गया ना तो बहुत ईजी है समझना। क्लासिफिकेशन क्यों किया, ठीक है। अच्छा देखो, अब तक जो पढ़ रहे थे ना अपन, अप्रोच क्या होता था, हाँ ठीक है क्लासिफिकेशन किया है, इसमें ये होगा इसमें ये होगा, पर अभी अप्रोच वैसा नहीं रहेगा, मेरा पर्टिकुलरली वैसा नहीं है, ठीक है। अपना अप्रोच ऐसा रहेगा ना, पहले क्लासिफिकेशन क्यों किया वो समझेंगे, क्योंकि उससे ही रीजन लर्न हो जाएगा, अलग से लर्न करने की जरूरत ही नहीं। क्लासिफिकेशन क्यों किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो फर्क नहीं पड़ता है ना, फेयर वैल्यू कम ज्यादा होने से तो कॉस्ट पे वैल्यू कर दो, पर अगर शॉर्ट टर्म है तो फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रूडेंस कंसेप्ट अप्लाई करो, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर अप्लाई कर दो, ठीक है। ये चीज के लिए अपने को क्लासिफाई करना जरूरी था। अगर एग्जैक्टली एक साल के लिए मैं होल्ड करता हूं तो क्या लगता है, शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म? एक साल से ज्यादा तुमने बोला लॉन्ग टर्म, एक साल से कम शॉर्ट टर्म, तो अगर एक साल के लिए होगा तो शॉर्ट टर्म, ठीक है देखते हैं। उसके पहले मेरा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि कितने सवाल करते हो सर, मजा आता है मेरे को, ठीक है तुम जवाब दो। तो दूसरा सवाल मेरा ऐसा है कि ये कैसे समझेगा कि ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म, एक्चुअली बेचने में पता चलेगा ना कितने साल होल्ड किया है, मैंने 1.5 साल होल्ड किया या 2 साल या 3 साल, ये बेचने में पता चलेगा, हो सकता है मैं 8 महीने में बेच दूँ, तो शुरू में कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म? ओके और एक साल के अंदर अंदर शेयर्स कोई भी लिक्विडेट कर सकते हैं, तू कल भी बेच सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं ना, शेयर्स तू आज खरीद कल बेच कोई प्रॉब्लम नहीं, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो क्या करे? ठीक है बोलो बोलो बोलो, यस। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ ओके तो फिर तो शेयर्स लॉन्ग टर्म होने नहीं चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि शेयर्स में तो रोज चेंज होगा प्राइस, नो डाउट है रोज चेंज होगा, रोज ट्रेडिंग होगी रोज चेंज होगा, यस। रिटर्न के बेसिस पे, पर मेरे को तो आज क्लासिफाई करना है उसको, क्योंकि अगर मैंने खरीदे शेयर्स फॉर एग्जांपल 30 मार्च को 100 रुपये में खरीदे और 31 मार्च को इसकी प्राइस हो गई 90, तो अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो 90 पे दिखाना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो 100 पे दिखाऊंगा कॉस्ट पे, शेयर्स का पास्ट परफॉर्मेंस। पर उसके मेरे लिए शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है वो कैसे समझेगा? ओके पर अकाउंटिंग सोच शेयर्स के हिसाब से करेंगे अपने हिसाब से? अपने हिसाब से मेरा क्या इंटेंशन है, ठीक है सार्थक, कल कोई लड़की से मिला तो मिलते ही समझ जाता है ना कि ये लॉन्ग टर्म वाली है ये शॉर्ट टर्म वाली है ना, अपना इंटेंशन क्या है, ठीक है अपना इंटेंशन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग अपनी हो रही है, ठीक है अकाउंटिंग अपनी हो रही है, तुमको शेयर्स लेते ही तुम्हें मालूम है तुम्हारा इंटेंशन क्या है, ठीक है तुम्हारा इंटेंशन क्या है तुम्हें मालूम रहेगा, तो इंटेंशन के बेसिस पे वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा और इंटेंशन कभी भी चेंज हो सकता है ना, शॉर्ट टर्म वाली लॉन्ग टर्म बन सकती है,
और लॉन्ग टर्म वाली शॉर्ट टर्म बन सकती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर इंटेंशन चेंज हो जाए तो उस केस में क्या करना पड़ेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। इंटेंशन चेंज हो जाए तो क्या करना पड़ेगा वो एंड में देखेंगे अपन, लेकिन इंटेंशन अपना है तो चेंज तो हो ही सकता है, ठीक है, वो देखेंगे अपन क्या करना है, लेकिन इंटेंशन के बेसिस पे वैल्यू करना है। अपना इंटेंशन क्या है, अगर मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मेरा इंटेंशन ऐसा है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूंगा तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उस बेसिस पे वैल्यू करेंगे। अभी दूसरा जो क्वेश्चन था मेरा, एक साल का क्या करें, तो एक साल मतलब शॉर्ट टर्म कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्टली एक साल भी तुम होल्ड करते हो, क्योंकि एक साल से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, अगर एक साल से ज्यादा नहीं है तो शॉर्ट टर्म, तो एक साल भी अगर मैं होल्ड करता हूँ तो भी शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये चीज पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे क्लासिफाई करना इन्वेस्टमेंट को, तो ये सेकेंड चीज है जो तुम्हें लिखनी है। अभी ऊपर हेडिंग दे देना, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। एक तो करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, करंट मतलब ही शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या उसको नॉन करंट भी बोला जाता है। पीरियड लेस देन और इक्वल्स टू वन ईयर मतलब शॉर्ट टर्म, ग्रेटर देन वन ईयर मतलब लॉन्ग टर्म। किस पे वैल्यू करना है वो लिख लो नीचे, लिखा है दोस्तों, ओके। तो ये था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कब कहलाएगा। अच्छा, ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट था वो भी देखा अपन ने, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ये एस में अकाउंटिंग होने वाली वो अपने को मालूम है, ठीक है। अभी अकाउंटिंग के लिए लगते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगे, बहुत ईजी बेसिक से एंट्रीज है, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें कुछ। यहाँ पे ऐसे है क्या कोई जिसका मेरे बेसिक्स बहुत वीक है अकाउंट्स के, ऐसे कोई है क्या यहाँ पे? ओके, और ओके, बाकी सबके बेसिक्स ठीक ठाक है। अच्छा, बेसिक्स जब मैं बोलता हूँ मतलब क्या, डेबिट क्रेडिट एंट्रीज वो सब, ठीक है, वो सब अगर अच्छे से आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बेसिक्स वीक है ना तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अकाउंट्स में ज़्यादा, ओके। बेसिक्स अगर वीक है ना तो, क्योंकि जैसे यहाँ पे अभी एंट्रीज फटाफट समझ जाएगी, पास हो जाएगी बाकियों को, पर जिसके बेसिक्स वीक है उसको सोचना पड़ेगा, तो घर जाके थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके, यस। तो आगे बढ़ते हैं अभी एंट्री की तरफ। देखो, एंट्री बहुत सिंपल है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब मैं खरीदूंगा तो मेरे पास एसेट आया इन्वेस्टमेंट नाम का, तो उसको क्या कर दूंगा मैं, डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट, पैसे भर दिए बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये एंट्री होती है। और अभी इम्पॉर्टेंट ये है, तो जब मैं इसका लेजर बनाता हूँ, देखना ये लेजर अपन ऐसे बनाते हैं, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मेरा शेयर्स है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके डेबिट वाले साइड में टू बैंक, मैंने अगर 1,00,000 के खरीदे अमाउंट के। अभी देखना, ये शेयर्स पे क्या मिलता है इनकम, डिविडेंड मिलता है, ओके, और डिविडेंड जो मिलता है उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए टू डिविडेंड, करेक्ट। अभी बैंक टू डिविडेंड, ये अलग से दिख रहा है, डिविडेंड अकाउंट में नोट हो रहा है। लेकिन सोचना दोस्तों, अगर कितना इजी होता या कितना मेरे लिए आसान होता या कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता, अगर मेरे को यहाँ पे ही कहीं एक ही अकाउंट देखूं और समझ जाए कि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने कितने में खरीदा, इस पे डिविडेंड कितना मिला और इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो कितना इजी हो जाएगा समझने के लिए। क्योंकि कोई भी अपन शेयर खरीदते हैं तो मेरे लिए एक तो डिविडेंड उस पर कितना मिला वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज मेरे पास शेयर्स कितने हैं, क्योंकि मैं ले बेच करते रहता हूँ, पहले 100 शेयर्स खरीदे, 10 बेचे, फिर 50 खरीदे, ये सब चलता है। तो मेरे पास कितने शेयर्स है, कितने खरीदे थे, कितने बेचे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ डिविडेंड कितना मिला ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये सिंपल बेसिक लेजर अकाउंट ही बनाया जाता है, सिर्फ इसमें क्या करेंगे मालूम है, अभी ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड हो जाए, इसीलिए इसका फॉर्मेट में मालूम है, ये एक नॉर्मल अमाउंट का फॉर्मेट जो अपने लेजर में होता है, डेट यहाँ पे पर्टिकुलर्स, करेक्ट, यहीं पे डेट, ये पर्टिकुलर्स। क्या करेंगे मालूम है, दो कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड करेंगे दोनों साइड पे, क्यों ऐड कर रहे हैं समझना, एक कॉलम डिविडेंड का, एक कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स का, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स और यहाँ पे डिविडेंड,
दो कॉलम्स दोनों साइड पे ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेचे ये जानना इंपॉर्टेंट है, मेरे को डिविडेंड कितना मिला वो समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये एक ही अकाउंट अगर मैं खोल लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो मैं ये अकाउंट खोल के देख लूँ तो मेरे को इजीली समझ जाएगा साल भर में ये शेयर्स ने कितना डिविडेंड दिया, साल भर में मैंने कितने शेयर्स खरीदे कितने बेच दिए। तो ये एक ही अकाउंट में देख के सब कुछ समझ जाएगा। तो इसीलिए इसके फॉर्मेट में दो चीज़ें और ऐड की गई, ठीक है। तो ये देखो हर चीज़ का तुम देखोगे ना तो एक लॉजिक होता है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके पहले तुमने जो भी देखा होगा लेजर जर्नल हर चीज़ का सिंपल फॉर्मेट तुमको बता दिया होगा, ये फॉर्मेट है इसमें बनाओ, ठीक है। लेकिन मेरा मेथड वैसा नहीं है, मैं चाहता तो अभी बोल सकता था ये फॉर्मेट दिया हुआ है और उसके थ्रू भी बता सकता था, लेकिन पर्पस ऐसा है तुम्हें लॉजिक समझ में है कि ये फॉर्मेट क्यों बनाया होगा, कुछ तो रीज़न होगा फॉर्मेट बनाने का, है ना। किसी को रात में सपने में तो नहीं आया होगा ऐसे बना दे और बना दिया अगले दिन, नहीं, ठीक है। तो ये लॉजिक समझो तुम्हें बहुत ईजी जाएगा। तो ये फॉर्मेट बनता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का। एंट्री तो सिंपल होती है इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और जब बेचेंगे तो इस साइड आ जाएगा बाय बैंक, है ना। अगर सोचना अभी मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा है 120 में, ठीक है, 100 में खरीदा था इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक ये एंट्री की थी 100 रुपये, ओके, तो डेबिट साइड में आ जाता है टू बैंक। अभी मैंने ये इन्वेस्टमेंट बेच दिया 120 में, ठीक है, 120 में बेच दिया, तो मेरे बैंक में 120 आए, करेक्ट। अभी क्या करूँ, क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट कितना, अच्छा 100 और टू प्रॉफिट ऑन सेल या टू PNL, ठीक है, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो इसी एंट्री को लेजर में दिखाते वक्त कैसे दिखाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट सीधा 120 कर देते, मतलब यहाँ पे 100 में खरीदा है वो दिखेगा, अमाउंट साइड में 100 में खरीदा है वो दिखेगा, और 120 में बेचा है वो इधर आ जाएगा बाय बैंक, यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा 120, और ये 20 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये 20 रुपये का जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे ऐसे टू PNL 20 रुपये, ठीक है। देखो इन्वेस्टमेंट 100 की थी पर बेचा 120 में, तो एंट्री करते वक्त डायरेक्ट सेल की कर दी जाएगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट 120, तो इन्वेस्टमेंट को 20 रुपये का एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ ना, क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रॉफिट था, तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 20 रुपए का प्रॉफिट, ऐसा अपना अकाउंट बनेगा। अभी बस मैंने एक ऊपर से तुम्हें अप्रोच दिया है कैसे करने वाले, जब इसका अकाउंट बनाएंगे तब एंट्रीज लिखेंगे तब तुम्हें एग्जैक्ट समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो ये अपनी एंट्रीज और फॉर्मेट ऐसे बनने वाला दोस्तों। उसके पहले समझो अभी नंबर ऑफ शेयर्स और डिविडेंड, क्या हर इन्वेस्टमेंट में बस यही रहेगा, डिविडेंड ही मिलता है क्या हर इन्वेस्टमेंट में, नहीं, बाकी इन्वेस्टमेंट में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड की जगह पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और उसमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिलते, उसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिलते, तो उस केस में थोड़ा अलग रहेगा, उस केस में अलग कॉलम्स बनाने रहेंगे। इनकी अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स थोड़े अलग है, और इनमें शेयर्स में कुछ चीज़ें अलग होती है, जैसे डिबेंचर्स का फिक्स तारीख पर इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड का वैसे नहीं है, कभी मिल सकता है कभी नहीं भी मिल सकता है, तो दोनों का अकाउंटिंग थोड़ा अलग है। इसीलिए जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई किया था, और एक टाइप में क्लासीफाई किया, एक तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और एक वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। क्यों किया, क्योंकि ये शेयर्स वाले इन पे डिविडेंड मिलता है, इनकी अकाउंटिंग थोड़ी अलग करेंगे, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इन पे फिक्स्ड इनकम मिलती है, तो इनकी अकाउंटिंग थोड़ी अलग करेंगे, ठीक है। दोनों का फॉर्मेट अलग देंगे, दोनों को अलग से बनाएंगे, इसलिए दोनों का क्लासीफाई किया है पहले ये चीज में। तो दोनों को क्लासीफाई किया गया दोस्तों, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनकम, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनकम। एक तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में क्या आता है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स जिन पे फिक्स्ड इनकम मिलती है, जैसे 10% डिबेंचर्स है, हर साल तुम्हें 10% ब्याज मिलेगा, हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो फिक्स्ड इनकम होती है। लेकिन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज में शेयर्स है, बेस्ट एग्जांपल शेयर्स, जिस पे इनकम वेरी कर सकती है, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम तुम्हें लिखना है, हेडिंग दे देना, पहले तुमने लिखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग, जितना होल्ड करने वाले वो बेसिस पे, अभी लिखना टाइप ऑफ इनकम के बेसिस पे। लिख लिया, ओके, समझा है, फिक्स्ड इनकम वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज,
अच्छा इनको अलग क्यों किया, क्योंकि इनके जो रिटर्न मिलता है इनके, उनकी कैटेगरीज अलग है, एक पे फिक्स्ड मिलता है, एक पे वेरिएबल, वेरी करता है इनकम, इसलिए थोड़ा इनकी अकाउंटिंग अलग, अकाउंटिंग नहीं है सच, इनके फॉर्मेट्स थोड़े अलग थे इसीलिए फिर उनको अलग किया मैंने बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम। ठीक है, अभी फॉर्मेट की अपन ने बात की थी, देखो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़, उसका फॉर्मेट ये वाला है जो तुम्हें अभी ड्रॉ करना है, हेडिंग दे देना वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़। पहले सीखने वाले अपन अगले 2-3 दिन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़ चलेगा, फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ पे बढ़ेंगे। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़ उसका फॉर्मेट ऐसा है दोस्तों, हेडिंग आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब जो भी कंपनी हो उसका नाम, और बहुत सारे 10 कॉलम आने वाले हैं, तो बराबर फिट करने हैं तुमको। इसमें से डेट का कॉलम छोटा सा, नंबर ऑफ शेयर्स भी बहुत बड़ा नहीं लगेगा, और डिविडेंड भी छोटा। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले परचेस, शेयर्स के परचेस पे एसेट आया है अपने पास, इन्वेस्टमेंट आया है, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट किस में की है उसका नाम लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टू बैंक, और इसके कॉस्ट में ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, जो भी तुमने भरा है सब आएगा। फिर सेल ऑफ शेयर्स, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सेल प्राइस नेट ऑफ ब्रोकरेज आएगा, ब्रोकरेज माइनस करके। लिखा? ओके, देखो अब तक जो किया वो शॉर्ट में एक बार फटाफट बोल दो मुझे। सबसे पहले अपन ने देखा कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है ना, इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों, वो वाले एसेट जो अपन ने इनकम कमाने के लिए रखे हुए। कौन से टाइप के इनकम? डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी या रेंटल, ठीक है, और कैपिटल, कैपिटल अप्रिसिएशन, इसको क्या बोलेंगे अपन? इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो उसको अपन ने फिर क्लासिफाई किया, एक तो इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, एक तो शॉर्ट टर्म हो सकता है या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म कब कहलाएगा? 1 साल या उससे कम है। क्या कम है? होल्डिंग, और उसमें क्या देखेंगे? मेरा इंटेंशन। तो मेरा इंटेंशन अगर होल्ड करने का 1 साल या उससे कम है तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, और अगर 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। क्यों किया बाइफरकेट? क्योंकि वैल्यू किस पे करना है वो चेंज होगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो उसको किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पे, अनलेस देर इज परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू। अगर परमानेंटली गिर जाए तो उसकी कॉस्ट पे दिखा के मतलब नहीं है, फिर उसको गिरा दो वैल्यू को। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर किस पे दिखाएंगे उसको? कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर, ठीक है, उस पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्लासीफाई किया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा अलग है, रिपोर्टिंग थोड़ा अलग रहेगा। क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो दो टाइप के सिक्योरिटीज निकल के आते हैं। एक है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स वगैरह, और एक है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, मतलब इंटरेस्ट जिस पे मिलता है वो है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब टाइप के। ओके, तो इसमें पहला टाइप देख रहे हैं अपन अभी, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज में अपन ने फॉर्मेट देखा, ठीक है, फॉर्मेट नॉर्मल लेजर का था, बस 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किए। क्यों किए 2 कॉलम ऐड? क्योंकि मुझे वहां पे ही दिखना चाहिए मेरे पास कितने शेयर्स है, मैंने कितने शेयर्स बेचे हैं, मुझे कितना डिविडेंड मिला है, ठीक है। फॉर्मेट में 2 कॉलम ऐड किए। फिर उसके बाद एंट्रीज देखी, एंट्रीज में सिंपल है, इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट बेच दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए बैंक में टू इन्वेस्टमेंट, एसेट गई है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जब परचेस कर रहे तो ब्रोकरेज वगैरह जो पे कर रहे हो अपने कॉस्ट का पार्ट है, तो क्या करेंगे इन सबको ऐड, और जब सेल कर रहे तो ब्रोकरेज वगैरह जो पे कर रहे ये कम मिलेगा, अपने को पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये क्या कर देंगे? सेल प्राइस से लेस। ओके, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री कर देंगे, पीएनएल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तुमने जो एंट्री बोली थी वो भी सही थी, पर उसको 2 हिस्सों में तोड़ा है, ठीक है, उसको 2 हिस्सों में तोड़ा है, बैंक की एंट्री को अलग किया है, प्रॉफिट की एंट्री को अलग किया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और दूसरी अगर लॉस हो रहा है तो पीएनएल को डेबिट करेंगे, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो ये थी प्रॉफिट या लॉस की एंट्री।
तो अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, एंट्रीज का नहीं, क्वेश्चन आता है लेजर का, ये अपने जो फॉर्मेट बनाया है वो बनाना पड़ता है, तो क्वेश्चन उस चीज का आता है। ओके तो अपन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी करना क्या है, एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक दो चीज़ें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उसका अपने को सॉल्विंग करना रहेगा। और पहली चीज़ है उसमें बोनस शेयर्स। सुना है कभी इनके बारे में क्या होते है? किसने, जिसने सुना होगा तुम बता सकते हो बोनस शेयर्स, या फिर सुना है सिर्फ मालूम नहीं क्या है? यस रितेश, डिविडेंड के बजाय बोनस इश्यू कर सकते हैं, पर है क्या बोनस? ओके देखो बोनस शेयर्स क्या होते हैं मालूम है? बोनस शेयर्स मतलब फ्री के शेयर्स, मतलब शेयर होल्डर्स को, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक शेयर है, ठीक है, और कंपनी के पास प्रॉफिट्स है, लेकिन कंपनी को डिविडेंड बांटने के लिए पैसा नहीं है अभी कंपनी के पास, ठीक है, कैश अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी क्या करती है शेयर होल्डर्स को नाराज ना करने के लिए, उनको क्या कर देगी, उनको बोल देगी अगर तुम्हारे पास एक शेयर है तो एक शेयर और ले लो, ठीक है, मतलब क्या 1:1 के रेशियो में, मतलब एक शेयर है तो और एक शेयर ले लो, बोनस फ्री में, पैसे मत दो, रखो शेयर्स। तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ा क्या? नहीं। तो अभी अच्छा दूसरी चीज जो तुम्हें समझनी है, जो अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके एंगल से कर रहे हैं, कंपनी के एंगल से या शेयर होल्डर के एंगल से? शेयर होल्डर, इन्वेस्टर के एंगल से, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके एंगल से, ठीक है। अभी बोनस शेयर्स खरीदने के लिए ये बंदे को कोई पैसा देना पड़ा क्या? एंट्री क्या पास करेगा? सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े और कुछ नहीं हुआ है, बोलो, सोचा क्या एंट्री पास करेंगे या पास ही नहीं करेंगे? क्या क्या? हाँ ओके यस रितेश, यस देखो क्या करना है, सबसे पहली चीज जो अकाउंटिंग में सीखी थी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मतलब क्या कोई चीज अगर मनी में मेजर हो रही है, मनी में पे हो रही है, रिसीव हो रही है, तो ही उसकी एंट्री कर पाएंगे, ठीक है, भावनाओं की अकाउंटिंग नहीं होती, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे बोनस के लिए पैसे दिए ही नहीं तो अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज हो रही, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे, तो अपन करेंगे क्या, अपने फॉर्मेट में तुम्हें इस नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम मालूम है, तो अपन क्या करेंगे, बस नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में दिखा देंगे, मतलब क्या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए ऐसे दिखा देंगे, अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, एंट्री एक्चुअल में होती नहीं है, बस ये लेजर में दिखाने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स अपन दिखा देंगे कि ये बढ़ गए। ओके तो ये पहला कंसेप्ट था बोनस शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है कंपनी, रिकॉर्ड डेट मतलब अगर आज कंपनी ने डिसाइड किया कि बोनस शेयर्स देने, तो कंपनी बोल देगी कि ये एक तारीख दे देगी, ठीक है, एक तारीख दे देगी कि इस तारीख तक जिसके भी पास शेयर्स रहेंगे उसको बोनस शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बोनस शेयर्स इशू होता है और रियल लाइफ में बहुत होता है, तुमने सुना होगा, तो इंफोसिस का शेयर का स्टोरी तुम्हें मालूम होगी ना, तो तुमने शायद ये सुना होगा कि 1990s में 2000 में जिसके पास शेयर होगा इंफोसिस का, 10,000 के शेयर का भाव लगभग करोड़ों में, 100 करोड़ों में हो गया, मतलब एक ऐसे इतना भाव हो गया, एक ऐसे 10 क्या, मतलब बहुत ज़्यादा करोड़, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, इतना भाव हो गया। और ये इनफैक्ट सिर्फ इसने नहीं, नारायण मूर्ति की वाइफ है ना सुधा मूर्ति, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया मालूम है क्या तुमको? नारायण मूर्ति ने स्टार्ट कैसे किया था इन्फोसिस, बहुत अच्छी स्टोरी है वो, कभी देखना, मतलब उनको जॉब था एग्जिस्टिंग जो उन्होंने छोड़ दिया, उनकी एनिवर्सरी थी उन दोनों की, तो उस दिन पे उन्होंने बोला कि मैंने जॉब छोड़ दिया है तो मुझे पैसे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने को, मुझे लगता है कि मैं रिवॉल्यूशन ला सकता हूँ, और पैसे सुधा मूर्ति के पास थे कुछ 10,500 ऐसे पड़े थे उनके पास सेविंग्स, तो 500 उन्होंने घर खर्चे के लिए रखा और 10,000 नारायण मूर्ति को दिए थे इन्फोसिस स्टार्ट करने को, 10,000 से स्टार्ट किया था उन्होंने। और सुधा मूर्ति बोलती भी है कि सबसे जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है या सबसे
कामयाब इन्वेस्टर हो मैं हूँ, क्योंकि 10,000 के मैंने करोड़ों बनाए, मतलब 10,000 डाल के मैंने बहुत करोड़ बनाए, ऐसे वो बोलती भी है। तो उन्होंने तब स्टार्ट किया था 10,000 लेके, और वो उसके शेयर्स के भाव बढ़ते कैसे गए, क्योंकि इन्फोसिस का एक बार क्या मतलब, इन्फोसिस ने अगर फॉर एग्जांपल किसी शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स है 1990s में, तो उन्होंने क्या किया, 100 शेयर्स में कभी बोनस अनाउंस किया तो 100 शेयर्स के हो गए 200 शेयर्स, फिर धीरे धीरे राइट इशू दिया, राइट इशू क्या होता है उस पर आऊँगा मैं, फिर वो शेयर्स और बढ़ गए, फिर स्प्लिट किया 300 के हो गए फॉर एग्जांपल 1,000 शेयर्स, मतलब ऐसे करते 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 नंबर ऑफ शेयर्स बहुत बढ़ते गए और उनके शेयर प्राइस भी बढ़ती गई। तो जिसके पास मतलब 10,000 के भी शेयर्स थे ना, उनकी वैल्यू डायरेक्ट करोड़ों में हो गई थी, इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई थी इन्फोसिस की। तो वो उसकी स्टोरी, मतलब बोनस शेयर से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है ये भी रियल लाइफ में भी, लगभग हर साल कोई ना कोई कंपनी का बोनस होता है, ठीक है। तो ये पहली कंसेप्ट थी बोनस शेयर्स की। अभी दूसरी कंसेप्ट है जो तुम्हें मालूम रहनी चाहिए, वो है राइट शेयर्स। अभी राइट शेयर्स क्या है, राइट शेयर्स सुना है क्या या सुना ही नहीं है? एसपी वालों ने सुना होना चाहिए आई थिंक, एसपी था क्या किसी का 11th 12th में, तुमने सुना हुआ होना चाहिए आई थिंक, एम्प्लॉय को नहीं, वो ईसॉप से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते, क्या बात है, कम भाव में देते। यस देखो प्रॉब्लम डिस्कस करते फिर तुम्हें समझ जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल अपना ये है आरआईएल, ठीक है, आरआईएल है और इसके मेजॉरिटी इन्वेस्टर कौन है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर मोटा भाई, ठीक है। तो मोटा भाई के पास 51 शेयर्स है, ओके, और बचे हुए पब्लिक के पास 49 शेयर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, ठीक है, ये बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड और उसमें बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे और एक दिन मोटा भाई आए नहीं बोर्ड मीटिंग में, और इनको ना खुन्नस थी मोटा भाई से, उन्होंने डिसाइड किया शेयर इशू करने की पावर है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे चालाकी से, मोटा भाई छुट्टियाँ मनाने गए तो अपन क्या करेंगे चालाकी से इनको 10 शेयर इशू कर देते पब्लिक को, ठीक है, अगर इन्होंने ऐसे सोच लिया, और बोर्ड के पास उतनी थोड़ी बहुत पावर होती है, ठीक है। तो इन्होंने 10 शेयर इशू कर दिए तो पब्लिक के पास कितने शेयर्स हो जाएंगे, 59, पब्लिक के पास हो जाएंगे 59 शेयर्स। मोटा भाई वेकेशन बना के वापस आए, मोटा भाई ने देखा ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते हम थे मेजॉरिटी शेयर होल्डर और अचानक बन गए मेजॉरिटी नहीं रहे, मीटिंग में हमारी पावर बात नहीं चल रही, कंट्रोल चला गया, ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसे हो सकता है ना। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 नहीं, ठीक है, कंपनीज एक्ट ने ये रूल लागू कर दिया। क्या रूल लागू किया कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए, अच्छा शेयर इशू क्यों करती है कंपनी, पैसे चाहिए इसके लिए, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाओ, हर शेयर होल्डर के पास हक रहेगा कि वो तुम्हें पैसे दे और शेयर्स ले, हर शेयर होल्डर के पास हक रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है, हर शेयर होल्डर का वो राइट है कि वो शेयर्स खरीद सकता है। तुम पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाओ, अगर उन्होंने मना किया तो फिर दूसरे लोगों के पास जाना पैसे मांगने को, ठीक है, तो उनका पहला राइट बनता है, तो उनको पहले ऑफर करना कि हम तुम्हें राइट शेयर्स देंगे, तुम्हें सब्सक्राइब करने हैं क्या, चाहिए तो ले लो। तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ेगा सबको, ये कंपनीज एक्ट ने ही कंपलसरी कर दिया। तो अभी कोई भी शेयर्स इशू करने पड़ते हैं तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछेंगे, अगर उनको नहीं बुलाया, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, तो फिर बाकी पब्लिक के पास जा सकते हैं। तो ये राइट शेयर्स है। और जनरली देखो शेयर होल्डर्स को एक मोटिवेशन देने के लिए, अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस का भाव मार्केट में चालू है 2500 रुपये, तो अभी मैं एक शेयर होल्डर हूँ मेरे जैसा, ठीक है, और मेरे को कंपनी ने बोला शेयर चाहिए क्या, राइट शेयर्स ऑफर करेंगे ना मुझे भी, मैं भी तो शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे ऑफर किया उन्होंने 2500 में, तो मैं बोलूँगा यार 2500 में इधर कंपनी दे रही, उससे अच्छा मैं मार्केट से ले लेता हूँ ना 2500 में, एक बटन दबाया खरे हो गए शेयर्स मेरे, तो मुझे मोटिवेशन नहीं रहेगा खरीदने का, क्योंकि मैं मार्केट में से भी परचेस कर सकता हूँ फिर। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, जनरली मार्केट प्राइस से सस्ते में इशू करती है राइट शेयर्स, ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस 2500 चालू है तो हो सकता है 2000 में इशू करे, 2100 में इशू करे, ठीक है, थोड़ा सस्ते में इशू करती है क्योंकि शेयर होल्डर्स को मोटिवेशन रहेगा कि हाँ भाई खरीद ले, सब्सक्राइब कर लेते हैं अपन, तो शेयर होल्डर्स को एक मोटिवेशन देने के लिए जनरली मार्केट प्राइस से सस्ते में इशू होता है। तो अभी
ये तो नॉर्मल, अभी मैंने 2100 में अगर शेयर खरीद लिया तो मैं शेयर खरीद ही लिया ना, फिर नॉर्मल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट खरीदने की, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, नंबर ऑफ शेयर्स में भी आ जाएगा, अमाउंट कॉलम में भी आ जाएगा, करेक्ट। पर अगर मेरी इच्छा नहीं है ये राइट शेयर्स खरीदने की, अगर ये राइट शेयर्स खरीदने की मेरी इच्छा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ मालूम है? मुझे हक दिया था कंपनी ने, क्या हक दिया था कि तुम ये शेयर खरीद सकते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? शेयर्स नहीं, ये हक किसी को बेच सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये भूमि मेरे पास आई, भूमि बोली कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं RIL के, मुझे राइट शेयर्स चाहिए, सस्ते में मिल रहे थोड़े, राइट शेयर्स मुझे बेच दो ना। मतलब 2500 की मार्केट प्राइस थी और शेयर होल्डर्स को 2100 में दिया जा रहे थे शेयर्स। तो भूमि आई, वो बोली मेरे को आपको जो राइट का हक मिला है आपको नहीं चाहिए राइट शेयर्स, तो ये राइट मुझे दे दो, ये राइट मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ आपके नाम पे। तो ऐसे भी अलाउड होता है, इसको बोलते हैं राइट बेचना, हक बेचना। मैंने शेयर नहीं बेचा है, मैंने क्या बेचा है? मेरा हक बेचा है, मेरा राइट बेचा है, और मेरा राइट बेच के मैं उससे पैसे लूंगा। और वो मैक्सिमम कितने पैसे देगी बोल सकते हो? मैंने उसको किसको कौन सा हक बेचा है मालूम है? मेरा वो वाला हक बेचा है, कौन सा? कि तू जाके 2100 में कंपनी से शेयर खरीद ले, वो हक मैंने इसको बेचा है। तो वो हक बेचने का मैं उससे पैसा लूंगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने पैसे देगी वो बोल सकते हो? 2500 मुझे देगी, मुझे कितने देगी मैक्सिमम वो पूछ रहा हूँ। 400 मुझे मैक्सिमम वो 400 देगी, क्योंकि 2100 कंपनी को भी देने पड़ेंगे ना उसको, क्योंकि शेयर्स तो वो कंपनी से ही खरीदेगी। मैं उसको शेयर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं उसको क्या बेच रहा हूँ? मेरा हक बेच रहा हूँ, मेरी राइट बेच रहा हूँ। कि मेरे पास राइट था कि कंपनी से शेयर खरीद लूँ, मेरे को नहीं चाहिए शेयर, तो मैंने बोला मेरा राइट इसको बेच देता हूँ, ये एक्सरसाइज कर लेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट रिनाउंस करना, ठीक है, राइट रिनाउंस करना बोलते हैं। अच्छा, शेयर मेरे पास था ही नहीं तो उसको बेचने की बात आई क्या? मेरे पास बस हक था तो मैंने हक बेच दिया। और मैक्सिमम ये, अच्छा ये तो जनरल नॉलेज का पार्ट था, मैक्सिमम कितने पैसे देगी ये तो मैंने ऐसे ही पूछा था। मैक्सिमम 400 रुपये देगी, क्योंकि उसको 2100 कंपनी को भी देने, तो मैं मैक्सिमम 400 ही चार्ज करूंगा। उससे ज़्यादा चार्ज किया तो वो बोलेगी मैं मार्केट से खरीद लेती हूँ फिर, करेक्ट। ये बस जनरल नॉलेज का पार्ट था, ये तो ऐसे ही बोला मैंने। तो ये होते हैं दोस्तों राइट शेयर्स। राइट शेयर्स में फिर ये ऑप्शन होता है जिसको राइट शेयर मिल रहे, एक तो वो राइट सब्सक्राइब करे, मतलब खरीद ले शेयर्स, खरीद ले कंपनी से, या तो राइट को रिनाउंस कर दे, मतलब क्या, राइट को किसी और को बेच दे, ठीक है। तो राइट को किसी और को भी बेचा जा सकता है, और राइट बेच के जो पैसा मिला है ये पैसा, ये अमाउंट, ये अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने शेयर्स खरीदे ही नहीं थे ना, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या आता है? एक तो शेयर खरीदा हो या शेयर बेचा हो, करेक्ट। तो मैंने राइट बेच के ना शेयर खरीदा ना शेयर बेचा, तो ये डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ, ये डायरेक्ट पीएनएल में डालेंगे, ठीक है। राइट बेच के जो पैसे मिले, फॉर एग्जांपल मैंने 400 में उसको बेच दिया राइट, तो ये जो पैसे मिले ये डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्यों नहीं आएंगे, समझो बेसिक लॉजिक है। अगर मैं शेयर्स खरीदता हूँ तो इन्वेस्टमेंट में आता है, और वही शेयर्स बेचता हूँ तो जाएंगे वो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये तो मेरे पास शेयर्स आए ही नहीं थे, ठीक है, बेचने की बात तो दूर, तो मैंने राइट बेचा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी दो चीजें तुमको बताई मैंने नई, एक पहली चीज थी बोनस और दूसरी चीज थी राइट शेयर्स, ठीक है। बोनस वो शेयर्स होते हैं जो फ्री में मिलते हैं, इनके लिए पैसा देना पड़ता है क्या? तो इसकी एंट्री करेंगे क्या? सिर्फ कहाँ लिख देंगे इसको? नंबर ऑफ शेयर्स में, क्योंकि शेयर्स बढ़ गए, करेक्ट। फिर दूसरी चीज है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स किसको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है, थोड़े कम भाव पे मिलते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास क्या ऑप्शन है? एक तो सब्सक्राइब करे, या तो रिनाउंस कर दे, मतलब ही बेच दे, ठीक है। तो अभी जितने खरीदेगा उतना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि शेयर्स खरीद लिए, करेक्ट। तो ये चीजें होने वाली है, और जो रिनाउंस किया वो कहाँ जाएगा? उसका प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एकदम इजी चीज है, इसकी अकाउंटिंग भी करोगे तो बहुत मजा आएगा तुमको, बहुत इजी है। सिर्फ कंसेप्ट समझो, लॉजिक समझो, तुम्हें बहुत इजी जाने वाला है। अच्छा, ये चीज जो मैंने अभी बनाई बताई है वो चीज सिर्फ लिख लो, इसका क्वेश्चन अपन कल करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाम से लिखना, पहला बोनस शेयर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाम से लिखना, पहला बोनस शेयर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाम से, पहला बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स में लिख देना। बोनस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर रिसीव्ड फ्री और फ्री ऑफ कॉस्ट, शेयर होल्डर नीड नॉट पे एक्स्ट्रा अमाउंट टू सब्सक्राइब फॉर दिस शेयर्स,
एग्जाम्पल बोनस रेशियो 1:2, कि रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो को रीड कैसे करते हैं, 1 share for every 2 shares held, मतलब हर 2 share के बदले में तुम्हें 1 share मिलेगा, ठीक है, इसको रीड ऐसे करते हैं, ठीक है। तो रेशियो अगर ऐसे रहा 1:2, इसका मतलब है 1 share for every 2 shares, मतलब मेरे पास 10 share है तो मुझे 5 share मिलेंगे। नो एंट्री फॉर बोनस, ओनली इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स। लिख लिया ये बोनस का पूरा, रेशियोज का मीनिंग समझा है, अगर 1:1 रहा तो 1 share for every 1 share, मतलब हर 1 share के लिए 1 share मिलेगा। उसके बाद लिखना राइट शेयर्स, जिसने बोनस लिख लिया राइट शेयर्स लिखो, किसी का बाकी है बोनस का पार्ट लिखना, चलो राइट शेयर्स लिख लो फिर। राइट शेयर्स आर शेयर्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन ईदर सब्सक्राइब फॉर दीज शेयर्स और रिनाउंस देयर राइट टू अदर पर्सन। एक तो सब्सक्राइब कर सकता है या किसी और को बेच सकता है राइट। फिर इसका भी एग्जांपल लिख देना दोस्तों। तो ये राइट एक तो सब्सक्राइब की जा सकती है या तो रिनाउंस की जा सकती है। सब्सक्राइब पोर्शन जो है वो शेयर्स खरीद लिए तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा, और जो रिनाउंस्ड पोर्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जो रिनाउंस किया उससे पैसे मिले, ये डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। डन, समझा आज जो भी किया समझा अच्छे से, ठीक है। ये कंसेप्ट वाला पार्ट था दोस्तों, कल से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। समझ में आ रहा है अब तक? ओके, आसान है? आसान है बोलने का, आसान है। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू।